हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि आप रेलवे एग्जाम के लिए जीके आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है और रेलवे एग्जाम के लिए जीके के लिए कौन सा बुक्स आपके लिए बेस्ट होगा। वैसे मैंने तो अलग से मैंने एक वीडियो मैंने बना दिया है कि रेलवे के में कौन कौन सा बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर मैं जीके का बात करूँगा। और मैं आपको थोड़ा सा इसको पहले सिलेबस एक बार देख लीजिएगा कि जो रेलवे एलपी की मैं बात करूँ तो रेलवे एलपी में जो आपका साइंस का पोर्शन, आपका 25 नंबर का साइंस पूछेगा सीबीटी 1 में, और आपका 25 पूछेगा आपको सीबीटी 2 में साइंस, और 15 नंबर का इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। और बाकी इसमें 10 नंबर का जीके और करंट मिला के पूछने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूँ, पर्टिकुलर मैं जीके की अगर बात करूँ, ठीक है। उसी तरह से अगर आप आरआरबी जेई का फॉर्म भर रहे हैं तो आरआरबी जेई में आपका जो जीके रहेगा वो आपका 15 नंबर का जीके रहेगा, और आपका सीबीटी 2 में आपका जीके 15 नंबर का इसमें रहेगा, और बाकी कंप्यूटर और इन्वायरमेंट मिला के 10 नंबर का, ठीक है। उस पर एनटीपीसी में थोड़ा जीके का पोर्शन बढ़ जाता है, एनटीपीसी में जो जीके रहेगा वो आपका 40 नंबर का जीके पूछने वाला है। और बाकी मैं अगर बात करूँ रेलवे ग्रुप डी में, तो रेलवे ग्रुप डी में जो जीके रहेगा वो आपका यहाँ पे 20 नंबर का ही आपका जीके यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए जो बुक्स है मैं बात करूँगा कि देखिए, अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट के बच्चे का ये सवाल आता है कि सर क्या लूसेंट अभी भी रेलवे एग्जाम के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। देखिए बिल्कुल, लूसेंट जो है, लूसेंट रेलवे क्या जितने भी भारत में एग्जामिनेशन है, आपके जो वनडे एग्जामिनेशन है, लूसेंट आपके फाउंडेशन आपके तैयार करने के लिए, लूसेंट आपके लिए सबसे इनफ बुक है। अगर आप इस लूसेंट बुक को, अब तो इसका 2024 का अपडेटेड वर्जन भी यहाँ पे आ चुका है, तो आप अगर आप जिसके पास नहीं है वो अपडेटेड वर्जन लीजिएगा, बाकी जिनके पास है उनको आप पुराना वाला भी है तो आपके पास कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप इस लूसेंट को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, बढ़िया से अगर आप एक बार स्टडीज कर लेते हैं, तो फिर ये 10 नंबर लाने के लिए 10 नंबर जो आपको पूछ, चूँकि ज़्यादा जीके का वेटेज नहीं है, तो जीके पर आपको ज़्यादा मतलब समय भी आपको नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि जीके इतना वास्ट होता है और जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अगर आप अलग अलग पढ़ना शुरू करें तो काफ़ी आपका समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये अलग बात है कि एनटीपीसी में थोड़ा जीके का पोर्शन ज़्यादा है, 40 नंबर का जीके एनटीपीसी में पूछेगा, तो वो अलग अभी उसकी वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी जो आगे का आपका एग्जाम है वो आपका रेलवे एलपी होने वाला है, और रेलवे एलपी में आपका समय भी आपके पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, उसका जल्दी ही एग्जाम आपका होने वाला है, और बाकी आरआरबी जेई वगैरह के भी एग्जाम इसके बाद होगा, आपका टेक्नीशियन का एग्जाम है, तो उसके लिए लूसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं जीके के लिए तो फिर इनफ है। लूसेंट को आप बिल्कुल पढ़िए, लूसेंट में आप देख सकते हैं इसमें जो भी आपको यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं, अगर आप इसे प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। उसके अलावा जो जीके के अलावा आपका जो जनरल साइंस की बात आती है, जनरल साइंस में थोड़ा रेलवे में उसका वेटेज ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको जनरल साइंस आपको लास्ट में मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है इसके अलावा भी एक पर्टिकुलर कोई साइंस का बुक्स जो है आपके पास होना चाहिए। आप चाहें तो इसी प्रकाशन का साइंस आता है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर एसके झा का भी अगर साइंस है आपके पास, आपको देखा होगा, ये मैं आपको बुक्स भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एसके झा का साइंस है, इसका 5th एडिशन भी आ चुका है, तो जिनके पास नहीं है वो 5th एडिशन लेंगे, बाकी जिनके पास है वो आप भी यही बुक आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो सर ने 5th एडिशन में जो अपडेट किया है उसका पीडीएफ वो अपने जो है उनके यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में वो लिंक दिए हुए, आप जाकर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये जो बुक्स है ये रेलवे एग्जाम के लिए, अगर आपको डीप में पढ़ना है जीके रेलवे एग्जाम के लिए, तो आप इसे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बुक्स है, बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें आपको जो रेलवे का प्रीवियस ईयर वगैरह का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए, इसके साथ आपको क्या करना है, जो आप जीके या फिर अगर आप जनरल साइंस आप पढ़ रहे हैं, तो देखिए ये तो बुक्स हो गए आपके, उसके साथ आपको क्या करना है ना कि मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना है। देखिए अगर आप मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगाते हैं ना, तो देखिए अगर आप जो भी तैयारी, अगर आप इससे जो भी बुक्स अगर कवर नहीं हो पाया, तो अगर आप मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि जो भी अगर छूटा हुआ है तो आप मॉक टेस्ट से आपका वो कवर हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, खास करके रेलवे का प्रीवियस ईयर पहले आप कवर कीजिएगा, क्योंकि रेलवे का जो जो 2018-19 में एग्जाम हुआ था उसका आप प्रीवियस ईयर एक बार जरूर लगाइएगा, ठीक है। काफ़ी सारे पब्लिकेशन का बुक्स आता है, आप उसे भी खरीद कर आप उसका लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है रेलवे के लिए, आप लूसेंट को बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ में प्लस मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर के लिए आपको देखिए, आप जो है करंट अफेयर के लिए डेली पर्पज पर अगर चाहें तो वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं देखना है आपको, 10 से 15 मिनट का कोई वीडियो हो अगर आप डेली बेसिस पर उसको चलते फिरते आप उसे देख सकते हैं, ताकि एक आपका ओवरव्यू बना रहे। उसके साथ क्या है कि आप जो है स्पीडी वगैरह का या फिर प्लेटफॉर्म का या फिर फर्दर और भी बहुत सारे प्रकाशन का आपका जीके आता है, ईयरली हो या फिर आपका जो है हाफ ईयरली,
वो निकालता है, तो आप उसे आप एग्ज़ाम के पहले आप लेकर और उसे आप एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपका करंट अफेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीके है, तो जीके के बारे में बता दिया। तो खास करके फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप रेलवे एलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके से ज़्यादा आपको जो है साइंस और मैथ रीजनिंग वगैरह आप पर आपको फोकस करना है, ठीक है। बाकी जीके को आप लेकर चल सकते हैं, जीके चूँकि जीके में अगर आप 5, 6, 7 भी सही कर देते हैं ना, इतना भी अगर आ जाता है तो फिर ये स्कोर बूस्ट करने में आपकी मददगार होगा, तो इसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई क्वारीज होगा तो नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।